उसकी बैग हम ये पर्दे का जो फैब्रिक है उसकी बनाएंगे। यह हमने फोल्ड किया है, हम बेल्ट फैब्रिक के ही बनाएंगे। तो हम पहले इसके बेल्ट कटिंग करके रखते हैं क्योंकि हमें बड़े बेल्ट बनाने हैं। तो 4 इंचेस का हमने बेल्ट लिया है और यहाँ से 4 इंचेस ऐसे हम पहले बेल्ट के लिए फैब्रिक कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये 2 फैब्रिक के पीसेस कटिंग किए हैं, 4 इंच बाय 50 इंचेस का, 50 इंच बाय 4 इंचेस के ये 2 पीसेस हमने कटिंग किए हैं। इसके अंदर हम ये पाइपिंग रखेंगे। यहाँ आप रबर शीट की आप 1 इंच की स्ट्रिप इसके अंदर रख सकते हैं और ये बेल्ट बना सकते हैं, या तैयार 1 इंच का तैयार बेल्ट भी आप ले सकते हैं। देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे दूसरी साइड से भी, और यहाँ सिलाई करके हम ये दोनों बेल्ट बनाएंगे। ऐसे हमने ये दोनों बेल्ट बनाए हैं। इसके बाद एक हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसके पीछे हमने रबर शीट अटैच की है और साथ में एक अस्तर का पीस लिया है। इसका मेजरमेंट है 8.5 इंचेस बाय 15 इंचेस का। यहाँ हम अस्तर ऐसे रखेंगे और ऊपर से हम सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम अस्तर अंदर की साइड में करेंगे ऐसे। यहाँ हमें टॉप स्टिच करना है और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करके फैब्रिक और अस्तर हम साथ में जोड़ेंगे। ऐसे हमने यहाँ टॉप स्टिच किया और ये अस्तर हमने फैब्रिक के साथ जॉइन किया। इसके बाद ये 2 पीसेस हमने लिए हैं 13 इंचेस बाय 15 इंचेस, 13 इंचेस इसकी हाइट है। इसे हमने 2 पीसेस लिए हैं, उसमें से हम एक पीस लेंगे और ये ऊपर की साइड में जो हमने टॉप स्टिच किया था, अंदर की साइड में फोल्ड किया था, वो साइड हम ऊपर की साइड में रखेंगे और ये सिलाई की साइड है ये हम यहाँ रखेंगे और 3 साइड से हमें सिलाई करना है। इसके बाद हमने ये एक पीस लिया है 6 इंचेस बाय 8.5 इंचेस, 8.5 इंच इसकी हाइट है। इसके पीछे हमने रबर शीट अटैच की है और 6 इंचेस के हमने जिपर ली है। जिप की सीधी साइड हम नीचे रखेंगे ऐसे और इसके पीछे ये बैक साइड में अस्तर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। यहाँ सिलाई होने के बाद हम अस्तर ऐसे बैक साइड में करेंगे ऐसे और यहाँ हम टॉप स्टिच और यहाँ से यहाँ सिलाई करके अस्तर और फैब्रिक हम साथ में जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने सिलाई होने के बाद यहाँ से हमने रनर डाला और रनर डालने के बाद ये 2 पीसेस हमने लिए थे 13 इंच बाय 15 इंच के। तो इसके ऊपर हम यहाँ से 4.5 इंच मार्क करेंगे। ऐसे हमें लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से भी हम 4.5 इंच का मार्क करेंगे और एक के ऊपर हमने ऐसे एक पॉकेट जॉइन किया था, इसके ऊपर भी हमें 4.5 इंच का मार्क करना है। दोनों साइड में 4.5 इंच का ये पीस हम साइड में रखते हैं। ये हम लेंगे ये 4.5 इंच का मार्क, इसके बाद नीचे से हम 8.5 इंच का मार्क करेंगे, 8.5 इंच का, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पीस हमें लेना है ऐसे। ये ज़िपर थोड़ी सी नीचे हम लेंगे, जो लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए वैसे हम रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखो ये सिलाई होने के बाद हम ये पीस ऐसे नीचे रखते हैं और इसके लेवल में हम रखेंगे ऐसे यहाँ और यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने ये पॉकेट यहाँ यहाँ और यहाँ सिलाई करके जॉइन किया, तो ये ऐसे एक पॉकेट बना है ज़िपर का पॉकेट। ठीक है, इसके बाद ये दोनों पीस हम लेंगे और ये 50 इंचेस के 2 बेल्ट हमने बनाए थे, तो ये बेल्ट हम ऐसे जोड़ेंगे। ये जो मार्क है यहाँ से 4.5 इंचेस का, इसके सेंटर में हम ऐसे सेंटर में हम, तो आधा एक साइड में आधा बेल्ट एक साइड में हो जाएगा
और ऊपर से 2.5 इंचेस हम मार्क करेंगे। देखिए ऐसे हमें यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, इसके बाद दूसरी साइड हम यहाँ जोड़ेंगे। देखिए ऐसे ये जो 4.5 इंच का मार्क है उसमें हम आधा बेल्ट एक साइड में, आधा बेल्ट एक साइड में रखेंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। ऐसे हम दोनों बेल्ट जोड़ेंगे। देखिए ऐसे हमने ये बेल्ट जॉइन किए हैं, तो ये एक पॉकेट बना है और ये 3 पॉकेट, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। इसके बाद हमने 13 इंच बाय 15 इंच के 2 लाइनिंग के पीसेस लिए हैं, उसमें से हम एक लेंगे। ऊपर से हमने 3 इंच का मार्क किया, ये मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करेंगे। 15 इंच के हमने ज़िपर ली है, ज़िप की सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और सिलाई करेंगे। देखिए ये सिलाई होने के बाद हम सिलाई नीचे की साइड में करेंगे ऐसे, और यहाँ हम टॉप स्टिच करेंगे। जैसे हमने ये पीस जॉइन किया है वैसे ही हम ये ऊपर का पीस जोड़ेंगे, यहाँ सिलाई करेंगे, इसके बाद ऊपर की साइड में करेंगे और टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे हमने यहाँ से रनर डाला ये टॉप स्टिच होने के बाद, और ये दोनों पीस हम लेंगे। देखिए ये ऐसा पॉकेट है सिंपल, इसके पीछे आप चाहे तो ये ऐसे जोड़ सकते हैं। चारों साइड से हम सिलाई करेंगे, और एक प्लेन अस्तर का पीस लिया है, यहाँ भी आप पॉकेट बना सकते हैं ऐसे, एक हम इसके पीछे जोड़ेंगे। चारों साइड से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद ये हमने 5 इंचेस बाय 15 इंचेस का एक पीस लिया है, इसके पीछे हमने रबर शीट अटैच की है लेकिन अस्तर हमने सेपरेट लिया है, ये हम ऐसे रखेंगे। इसका हमने सेंटर किया है 2.5 इंचेस के ऊपर हमने मार्क किया है, और इसके अंदर हमने रबर शीट जॉइन की थी, तो ये मार्किंग के दोनों साइड में हमने सिलाई की है ऐसे, और दोनों सिलाई के बीच में हम कटिंग करेंगे ऐसे, और कटिंग हम अस्तर के साथ करेंगे। अस्तर का पीस आप छोटा सा ऐसा थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं या इसी के मेजरमेंट का ले सकते हैं, ऐसे हम कटिंग करेंगे। हमने 15 इंचेस की जिपर ली है, एक पीस हम साइड में रखते हैं, सीधी साइड हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और इसके बैक साइड में ये अस्तर का पीस, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सिलाई की, इसके बाद ये अस्तर हम ऐसे नीचे की साइड में रखेंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे, और ऐसे ही हमें ये दूसरा पीस हम जोड़ेंगे। देखिए ऐसे इसके पीछे हम अस्तर रखेंगे ऐसे, यहाँ सिलाई करेंगे, इसके बाद फैब्रिक और अस्तर ऊपर की साइड में रखेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये हमने एक पीस लिया है, इसके हमने दोनों साइड से एक एक रनर डाल के ये पीस बनाया है। इसके बाद ये 5 इंच बाय 40 इंच का ये एक पीस हमने लिया है, इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और यहाँ हम सिलाई करेंगे। देखो यहाँ हमने जॉइन करके इसके ऊपर पाइपिंग की है, और पाइपिंग होने के बाद हम ये साइड ऐसे ऐसे रखेंगे फैब्रिक की साइड में, और इसके ऊपर हम सिलाई करके ऐसे टॉप स्टिच करेंगे। ऐसे भी आप रख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। देखिए ऐसे हमने टॉप स्टिच किया, इसके बाद ये दोनों पीस हम लेंगे, और यहाँ नीचे के जो कॉर्नर्स है इसके ऊपर हमने एक छोटा सा ऐसे राउंड शेप दिया है ऐसे, ऐसे हमने ऐसे रखा और ऐसे मार्क किया, इसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। देखो हमने दोनों के ऊपर ऐसे नीचे से राउंड शेप दिया है, और ये शेप देने के बाद हम ये पीस लेंगे। देखिए ये 15 इंचेस की साइड है, ये हम ऐसे रखेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे, इतनी स्पेस हम छोड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम ये ऐसे यहाँ तक जोड़ेंगे। देखो ऐसे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई की, और ये हमने इतना छोड़ा था। इसके बाद ये पहले हम ऐसे यहाँ तक लेंगे, इतना इतना हम लेंगे, ऐसे हमें फोल्ड करना है। देखिए
इसके बाद पहले हम ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे ऐसे यहाँ से। ये दोनों हम जोड़ेंगे और ऐसे हमने जैसे पाइपिंग की है वैसे ही पाइपिंग करके एक साइड में हमें करना है और इसके ऊपर हम पहले टॉप स्टिच करेंगे। देखिए ऐसे हमने टॉप स्टिच किया, इसके बाद ये साइड हम ऐसे जोड़ेंगे जैसे हमने ये नीचे की साइड में ली है वैसे ही हमें ये साइड हम ऐसे ऐसे नीचे की साइड में ऐसे लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। जैसे हमने ये पीस जॉइन किया है वैसे ही हम ये दूसरा पीस ऐसे जोड़ेंगे, ये बेल्ट ऊपर की साइड में आएगा ऐसे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करके जोड़ेंगे और इसके ऊपर हम पाइपिंग करेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम ये सिलाई के बाहर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम पहले से कट करेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। ऐसे हमने ये दोनों साइड से पाइपिंग की है। और इसके बाद हम यहाँ से बैक सीधी साइड करेंगे। देखिए हमने ये सीधी साइड की है। ऐसे यहाँ एक पॉकेट है और यहाँ इतना फोन रख सकते हैं, इतनी स्पेस दोनों साइड में है। इसके बाद यहाँ एक जिप का पॉकेट है, अंदर से इतनी बड़ी बैग है और बैक साइड में एक जिप का पॉकेट है।